वेलकम टू ऑल ऑफ यू इनदर वीडियो लेक्चर ऑफ गोहर वाफी बुक थ्री वी आर रीडिफाइनिंग दोग्रफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्स फॉर कंसेप्चुअल ये हमारा गोहर वाकफी के यूनिट वन मस्कन का लेक्चर नंबर फोर है स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से मसाकिन हैं उनके नेम और उनमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट लिविंग थिंग्स जो हैं डिफरेंट जानदार जो है, है मौजूद हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये उसी लेक्चर को उसी टॉपिक को समझने में मजीद हमारी हेल्प करेगा हम इसे उस वीडियो लेक्चर का पार्ट टू भी कह सकते हैं क्यों कह सकते हैं क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर से जो हमारे SLOs अचीव होंगे वो भी सेम हैं उसी वीडियो लेक्चर के जो लास्ट वीडियो लेक्चर के थे और वो थे एस एल नंबर थ्री एंड एस नंबर फोर एस नंबर थ्री और फोर याद है स्टूडेंट्स आपको जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अचीव किया था वो कौन कौन से एस थे नंबर थ्री पे था कि वो आ, कौन कौन से मसाकिन हैं जिनके जो पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं यानी मसाकिन की इकसाम जिसमें कौन कौन से थे आबी मस्कन कुतबी मस्कन सहराई मस्कन और जंगलाती मस्कन और असल नंबर फोर क्या था कि उनमें उन मसाकिन में रहने वाले जो जानदार हैं वो कौन कौन से हैं उनके नाम हमने डिस्कस किए थे तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये भी उन्हीं दोनों एस से रिलेटेड है जो कि इस यूनिट के एस नंबर थ्री एंड एस नंबर फोर है ओके okay, स्टूडेंट्स तो जल्दी से पेज नंबर नाइन एंड टेन आपने ओपन करना है ये पेज आपके सामने होना चाहिए ताकि आज के इस टॉपिक को सही से समझा जा सके तो पेज नंबर नाइन से हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स तो जल्दी से पेज नाइन ओपन करें हरवि आप वेरी वेल मैंग्रोव मैंग्रोव ऐसा पौधा है जो समुंदर और लैंड यानी जहां वो जगह जहां समुंदर और जमीन मिलती है जिसे दलदली इलाका भी कहा जाता है ये पौधा वहां पाया जाता है ये हमें आम जंगलों में ये हमें किसी खेत में ये पौधा नज़र नहीं आएगा ये सिर्फ उन्हीं एरियाज में नज़र आएगा जो दलदली इलाका कहलाता है यानी समुंदर और जमीन जहां मिल रही होती है वहां पर यह पौधा हमें नज़र आएगा इसी तरह स्टूडेंट्स जो मछलियां हैं मछलियां पानी में क्यों रहती हैं उनके अंदर वो खसूसियत होती है जिसकी वजह से वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिल्स और फिंस मछलियों के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स गिल्स गल पड़े इनका गिल्स का काम क्या होता है कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है वो उन जानवरों को पहुंचाना वो मछलियों को मुहैया करवाना ये गिल्स की मदद से होता है तो अगर हम हाँ मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी क्योंकि तो गिल्स जो हैं वो सिर्फ पानी से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और दूसरा मछलियों के अंदर होते हैं फिंस जो उन्हें तैरने में और पानी में मूव करने में आसानी मुहैया करते हैं वो आसानी से वहां मूव कर पाते हैं तीसरा स्टूडेंट्स अलजी अलजी पौधों की तरह का एक जानदार है जो सिर्फ पानी में ही पाया जाता है अगर पानी किसी जगह पे खत्म हो जाए पानी नहीं है तो अलझी भी वहां पे जिंदा नहीं रह सकते समटाइम्स आपने कभी ना कभी इस तरह एक पॉइंट्स के ऊपर देखा होगा कोई तालाब देखे होंगे जिनके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन सी एक लेयर बन जाती है वो लेयर बेसिकली अलझी होती है और ये पौधों की तरह अपनी खुराक खुद बना सकते हैं तो ये सिर्फ पानी वाली जगह पर ही जिंदा रहते हैं आप स्टूडेंट्स जल्दी से पेज नंबर टेन की तरफ आए हरिया स्टूडेंट्स पेज नंबर टेन पे हमारे सामने जो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स मछली आपने कभी ना कभी तो टेलीविजन पे देखी होगी और वो बहुत ही बड़ी होती है तो स्टूडेंट्स जो मछली है है ये इतनी बड़ी होती है कि इसका वजन 200 टन के करीब होता है जो कि 33 यानी 33 थ्री एलिफेंट हाथियों के बराबर इसका वजन होता है और ये समुंदर में रहने वाला जानवर है लेकिन ये मछली नहीं है ये है मैमल जो मैमल्स होते हैं वो ये उनकी तरह तो इसको हम मछली नहीं कहेंगे ये एक मैमल है तो ये इतना बड़ा साइज में होता है कि ये एक ही वक्त में पूरे के पूरे इंसान को भी खा सकता है लेकिन डिपेंडेंसी है क्या कि सिर्फ पानी में रह सकते हैं पानी के बाहर ये जिंदा नहीं रह सकते तो स्टूडेंट्स मजीद हम मसाकिन को और उनके माहौल को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो कि पेज नंबर टेन पे ही मौजूद है और आपने ये एक्टिविटी यहाँ पे जो रिटर्न वर्क है वो बुक पे ही करना है और वो क्या है हमारे सामने ये एक्टिविटी है इस एक्टिविटी में आपको कुछ पॉइंट्स कुछ हिंट्स मिलेंगे और आपने उन हिंट्स की मदद से पहचानना है कि ये कौन सा मस्कन है और तो आपने मस्कन का नेम नीचे लाइन दी गई है उन हिंट्स के और आपने वहां लिखना है तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको तीन हिंट दे रहा हूं आपने इन तीन हिंट्स की मदद से आपने मस्कन पहचानना है तो पहले हिंट है खुश्क इलाका रेत ही रेत और तेज धूप तो जल्दी से पहचाना ये कौन सा मस्कन है वेरी गुड ये है सहराई मस्कन यानी रेगिस्तान अब फिर मैं स्टूडेंट्स आपको तीन और हिंट दे रहा हूं और आपने पहचानना है कि ये कौन सा मस्कन है पहला हिंट वाफर खुराक दूसरा हिंट बड़ी तादाद में दरख्त तीसरा हिंट कसरत से बारिशें तो ये कौन सा मस्कन है कौन से मस्कन में ये तीनों चीजें होती हैं वेरी गुड जंगलाती मस्कन यानी जंगल में ये तीनों चीजें होती हैं अब वजीर आपको स्टूडेंट्स में तीन हिंट दे रहा हूं और आपने मस्कन को पहचानना है नंबर वन हर तरफ बर्फ ही बर्फ नंबर टू कोई दरख्त नहीं नंबर थ्री शदीद सर्दी तो ये कौन सा मस्कन है वेरी गुड ये है कुतबी मस्कन यानी ऐसा एरिया जहां पे हमेशा बर्फ मौजूद रहती है तो इसी के साथ स्टेंट्स एक और एक्टिविटी आपने करनी है वो कौन सी है वो भी पेज नंबर टेन पे मैंशनड है कि मुख्तलिफ मसाकिन की तस्वीर आपने जमा करनी है जिसमें और मुख्तलि और जानवरों की तस्वीर भी आपने जमा करनी है और इन तस्वीर को अपने स्क्रैप बुक में मसाकिन के नामों के साथ चिस्पा करना है होपफुल आज के लेक्चर की आपको समझ भी आई होगी आपको आपने इंजॉय भी किया होगा इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ एंड असल